कोलकाता में भयंकर बवाल, धुआं धुआं हुई कोलकाता की सड़कें, छात्रों पर ममता पुलिस का अत्याचार, नबन्ना मार्च से डरी ममता। आजकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ हुए अत्याचार को लेकर आज यानी कि 27 अगस्त को प्रदर्शनकारी छात्र नबन्ना तक पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी छात्र पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। कोलकाता में छात्रों का प्रदर्शन अब उग्र होता जा रहा है। नबन्ना मार्च का ऐलान छात्रों ने पहले ही कर दिया था। आइए आपको कुछ ऐसी तस्वीरें बताते हैं कि कैसे इन जुनूनी छात्रों को पुलिस की लोहे की दीवार भी नहीं रोक पाई। सबसे पहले आप इन बुजुर्ग को देखिए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग कुछ इशारे कर रहे हैं। इस बुजुर्ग को आप गेरुआ वस्त्र पहने और हाथ में तिरंगा लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए देख सकते हैं। ये बुजुर्ग जब आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन पर पानी की बौछार मार कर पीछे खदेड़ दिया। ऐसे में इस बुजुर्ग ने पुलिस की ओर देखते हुए इशारों ही इशारों में कुछ ऐसा कह दिया जिससे देख ममता सरकार को जरूर शर्मिंदगी महसूस हुई होगी। दरअसल इशारों ही इशारों में पहले कहा कि पानी डालो और फिर पुलिस की ओर देखकर बुजुर्ग ने अपने दोनों ही हाथों से इशारा किया और कहा शर्म करो। लाठीचार्ज वाटन कैनन से बौछारों की बरसात और आंसू गैस के गोले दागे जाने के बाद भी प्रदर्शनकारी हावड़ा ब्रिज से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। यह तस्वीरें हैं कोलकाता में आज हुए अभियान के बारे में, नबन्ना मार्च के बारे में। इसके अलावा एक और तस्वीर यहाँ पर देखिए, जहाँ पुलिस प्रशासन एक तरफ प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है तो वहीं आंदोलनकारी हावड़ा ब्रिज पर डटे हुए हैं। इन प्रदर्शनकारियों में से कुछ के पास तिरंगा झंडा भी है, जो हर वक्त अपने हाथों में इस तिरंगे को लेकर फहराते हुए नजर आ रहे हैं, मानो अपनी मांग को लेकर अड़ गए हो। आगे बात करते हैं अगली तस्वीर की, जहां छात्रों ने पुलिस का बैरिगेटिंग तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज किया। इस दौरान पत्थरबाजी भी हुई। इसी के साथ ही पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। तो वही बता दें कि छात्रों का कहना है कि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनकी मांग है कि ममता बनर्जी सीएम पद से इस्तीफा दे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्रों की तीन मांगे हैं। पहला, अभया यानी कि पीड़िता के लिए न्याय। दूसरा, अपराधी के लिए मौत की सजा। तीसरा, सीएम ममता बनर्जी का इस्तीफा। प्रदर्शनकारियों ने आगे क्या कुछ कहा देखिए। बहुत 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 अत्याचार किया है, लाठी चार्ज किया है, कदन गैस भी छोड़ा है, जल कमन भी चला है। बहुत आदमी हॉस्पिटल में अभी तक है। एक किसी आदमी को माथा फ्रैक्चर हो गया, हाथ टूट गया। इसलिए ममता को पदोत्तर मिलेगा तो हम लोग इधर है। ममता को हम लोग इधर पूरा आदमी चाहिए, उसको पदोत्तर चाहिए हम लोग का। जिधर भी एक लड़की को सम्मान नहीं मिलता है, और उधर राज्य का एक मुख्यमंत्री महिला होकर एक लड़की को 10 लाख टका देने पड़ता है, वो लड़की लोग को इस पर नहीं चाहिए। ऐसा वाला मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल पर हमको लोग को नहीं चाहिए। हमारा बात एक आपको बता दें कि कोलकाता पुलिस के मुताबिक नबन्ना मार्च को देखते हुए शहर में 6000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। कुल 19 पॉइंट पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं, तो वहीं अलग अलग महत्वपूर्ण जगहों पर 5 एल्यूमिनियम बैरिकेड बनाए गए हैं। आगे बात करें तो नबन्ना भवन के बाहर कोलकाता पुलिस और हावड़ा सिटी पुलिस का 3-लेयर सुरक्षा घेरा है। अधिकारियों से अधिक सतर्क रहने के लिए कहा गया है, तो वहीं सीसीटीवी फुटेज की निगरानी करने की अपील भी की गई है। वाटर कैनन की तैनाती भी कर दी गई है। देखने वाली बात यह होगी कि छात्रों का ये प्रदर्शन अब आगे क्या रूप लेता है और सीबीआई अपनी जांच में आगे क्या राज खोलती है और किस तरह ट्रेनी डॉक्टर को न्याय मिलता है। इस वीडियो पर अगर आपका कुछ कहना है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। तमाम जानकारियों के लिए बने रहे रिपब्लिक भारत के साथ।